हाय गाइस वेलकम टू द लर्नर आज आम बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रो ये कोर्स थ्री ओके कोर्स थ्री रो जहाँ कि आमर अच्छे आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग तार आम फर्स्ट यूनिट रो किसी शॉर्ट नोट डिस्कशन करिबा कौन से शॉर्ट नोट अच्छे आज केवल आम डिस्कशन करिबा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी संबंध में बा मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी संबंध में आज डिस्कशन करिबा मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो यही वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु आशा करछि आपण वीडियोटी को बुझी परिबे चलंतु आरंभ करिबा आज वीडियोटी को गाइस सर्वप्रथमे आरंभ करिबा आमे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो डेफिनेशन कौन अच्छी था देखने बा विभिन्न प्रकार शिक्षा भीतिन को मतानुजाई आमर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो संज्ञा अलग अलग अच्छी बा डेफिनेशन अलग अलग अच्छी प्रथमे आरंभ करिबा डॉक्टर बीपी लुलांग तरफ रु बीपी लुला कौन कहउछंती बा बीपी लुलांग मतरे आमर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो मीनिंग कौन सॉरी डेफिनेशन कौन ओके बीपी लुला कहउछंती एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू एजुकेशन तो बीपी लुलांग कौन कौन जी ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है शिक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति तथा टेक्निक गुड़िकर प्रयोग गट इट देन जीवा गल्ब्रेथ पाख को गल्ब्रेथ कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क रे आमर साइंटिफिक नॉलेज हो किंबा अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो तार प्रयोग करने को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोली कही था बुझिपार जी आमर अन्य एक जी कि आम डेरिक अनविन के डेरिक अनविन मतरे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो एजुकेशन आउ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अनुजाई तार आवश्यकता अनुजाई तार रिक्वायरमेंट अनुजाई जो आम आधुनिक स्किल अच्छी किंबा आधुनिक टेक्निक अच्छी तार प्रयोग करने को तार प्रयोग करने को आम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोली कही था बुझिपार्थ तो डेरिक अनविन कहते कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शिक्षा किंबा प्रशिक्षण क्षेत्र में तार आवश्यकता अनुजाई जो आमर आधुनिक दक्षता आधुनिक टेक्निक अच्छी तार प्रयोग करने को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोली कही था ठीक अच्छे देन जी एस एस कुलकर्णी पाखक एस एस कुलकर्णी कौन कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉस कौन नियम नियमावली गुड़िकर प्रयोग तथा रिसेंट डिस्कवरीज जहाँ कि रिसेंट जहाँ सब उद्भावन हो आदृत ऑफ साइंस विज्ञान जो सब विज्ञान नियम गुड़िक अच्छी नूतन भावे डिस्कवर हो तार प्रयोग कोड़े टू द एजुकेशन बट बा टू दि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शिक्षार क्षेत्र में शिक्षा प्रक्रिया रे नूतन आविर्भाव होता विज्ञान नियम तथा पुराणा नियम गुड़िकर प्रयोग करने को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोली कह जाए किए कौन एटा एस एस कुलकर्णी ठीक अच्छे देन जीवा आम डेफिनेशन ऑफ सॉरी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन परे आम जीवा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओके बा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो उद्देश्य तथा लक्ष्य कौन रही है आलोचना करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एम्स एट फैसिलिटेटिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन लर्निंग तो प्रथम कथा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो एम बा लक्ष्य कौन अच्छी ना ये साधारणतः ह्यूमन लर्निंग प्रक्रिया टी को बा ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस टी को इम्प्रूव करिबार आरो मुख्य उद्देश्य रही था ठीक अच्छे केतेक इम्पोर्टेंट एम बा एम आम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आम आलोचना करी कौन कौन देखा से गुड़ी को प्रथम है टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएटली डिजाइनड सिचुएशंस फॉर लर्निंग एंड टीचिंग दैट इज दोज सिचुएशंस व्हिच कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रेनिंग
ବୁଝନ୍ତୁ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଡିଜାଇନ୍ ସିଚୁଏସନ୍, କିଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସିଚୁଏସନ୍ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା କାହାକୁ, ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ, ଶିଖିବା ଆଉ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଡିଜାଇନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, କାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟିକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଓକେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା ଟୁ ମୋଡ଼ିଫାଇ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ମୋଡ଼ିଫାଇ କରିବା, କିଭଳି ମୋଡ଼ିଫାଇ କରିବା, ବାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ, କିଛି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ବା ମୋଡ଼ିଫାଇ କରିବା, ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ବା ବାଇ ଆରେଞ୍ଜିଂ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଆରେଞ୍ଜିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ଓକେ। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିଥାଉ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଓକେ। କିମ୍ବା ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ବା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଓକେ। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ବା ଆମେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିପାରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ, ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଇକି ଆମେ ଶିଖିପାରିଥାଉ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ କାହା ଯୋଗୁଁରୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁରୁ। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ବା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ମିଳନ ଘଟିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅଧିକ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅଧିକ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନଥିବ ନାଇଁ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେଚର୍ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କରୁଛି, ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ବାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବିହେଭିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ନା ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗ କଥା ଭାବିଥାଉ, ଆମର ମନକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆଖି ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ ନା ନାହିଁ, ଯେପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ବା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଟିଚ୍ କରିବା ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଥାଏ, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ସାଧାରଣତଃ ଥିଓରିଟିକାଲି ପଢ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ଶିଖାଇ ପାରିବା ବା ଜଣାଇ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଓକେ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବିହେଭିଆରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ବିହେଭିଆରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଲା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ କହୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରେଦର୍ ଦେନ୍ ଏ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ। ତ ଥିଓରିଟିକାଲି ଯେପରି କୁହାଗଲା, ଥିଓରିଟିକାଲି କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ସେଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଓକେ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଜାଇନ୍
इट इज ए डिजाइन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल इधर ऑडियो विजुअल हो पाए इक्विपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो एजुकेशन क्षेत्र में गोटे ऑडियो विजुअल डिजाइन करवा गोटे ऑडियो विजुअल डिजाइन करवा तार डेवलपमेंट करवा आउ कौन ताको अप्लाई करवा तार प्रयोग करवा जीपरिक आपण मैने कौन आपण मैने तो लर्नर ही मुँ भी लर्नर तो आपण मैंने आम सब जो लर्नर अच्छा आम गोटे कौन कले एठार कौन गोटे कले ऑडियो विजुअल क्रिएट कले ओके ऑडियो विजुअल क्रिएट करी ताको शेयर कले शेयर का मध्य कले आपण मानक आपण मु प्रथमे कौन कली जो आईसीटी अच्छी आज कथा कहतु ये जो आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग आमर जो कोर्स अच्छी कोर्स थ्री बोली आम कौन बीएड फर्स्ट सेमिस्टर से ही प्रथम यूनिट रो कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपण मानक कौन जस्ट मोर मुझी जापाली ताको शेयर करने प्रथम गोटे कौन ऑडियो विजुअल क्रिएट कली ओके ताकु कौन कली पुणी आपण मानक सेयार कली आपण मानक पठाइली क्या जरिया यूट्यूब जरिया तो ये जो मो पाखर मोर नलेजटा आपण मानक ट्रांसफर है जो प्रोसेस टी है ओके ये कौन किसी गैजेट आमर किसी गैजेट जरिया आम सब करपर कि फोन हो पारे ओके माइक हो पारे कंप्यूटर हो पारे ये जरिया जो आम गला युड़ कौन कौन आम गैजेट बोली कहले तो इलेक्ट्रोनिक गैजेट हो पारे आगुड़ जरिया जेहेतु आम एजुकेशन टा पठाइले एजुकेशन ग्रहण कले शिखाइले कि शिखिले यू आम कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओके तो लेस्ट नेक्स्ट पॉइंट को जीवा नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन नेक्स्ट पॉइंट कौन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेस एन इंपोर्टेंट रोल इन मेकिंग दि टीचिंग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्लियर सिंप्लीफाइड एंड इंटरेस्टिंग ओके हाँ जेपरिक कौन देखु आमे जेते बेले थ्योरी थ्योरी आमे पढ़ुचंती क्लासरूम रे हुए तो प्राय जन को निद भी आसी थाए ना नहीं तो किंतु जेते बेले प्रैक्टिकल क्लास रे थांती सेते बेले कोन आमे एक्टिव रही था ना ना पूरा एक्टिव रही था जिते बड़े केमिस्ट्री कथा कहतु केमिस्ट्री लैब रे जिते आम कार्य करते आफ्रन टे पिंधिकी से किपर फिल हुए कि से टोटाली कौन बोर ही लगे ना ना कि क्लास जिते बड़े केमिस्ट्री पढ़ी था कि फिजिक्स पढ़ी था बेले बेले कौन हुए निद चली आसे ना ना तो ये देखो जिते बड़े आम प्राक्टिकाली पाठटे पढ़ले से कौन इंटरेस्ट लगेगा सीटे आमर इंटरेस्ट बढ़ला आठ कौन सिंपली कंप्लीटली टोटाली डाउट ही क्रिएट होनी कहीं डाउट क्रिएट होनी कारण आम डायरेक्टली देखुं प्रोसेस टी रिएक्शन टी घटू कि जिते बड़े आम थियोरेटिकली ब्लैकबोर्ड में देखी था जे ये आ सहित मिसिली को यही उत्पादटे क्रिएट है यही प्रडक्टे क्रिएट है प्रडक्टर कलर एपरी यही प्रडक्टर नेचर एपरी से गुड़िया कौन माइंड में सेट हो पारती ना आम माइंड में रही पारती ना कौन एगुड़ाक सब डाउट हुए जिते बड़े प्राक्टिकाली देखिले जे हाँ एक्चुअली जिते बड़े ए दुईटी मिशंती ताले ए प्रोडक्ट तैयारी हला आउ ए प्रोडक्ट साधारण लिक्विड तैयारी हला आउ ये कौन आर कलर सपोज पर्पल है ये कौन आम सब इंटरेस्टिंग फैक्ट गुड़ाक आम माइंड में सेट हो जाए ना ना ये सब क्या जो संभव हो पार्टी वन एंड ओनली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कड़े आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो तीनो डी आस्पेक्ट अच्छी वन इज ए इनपुट सेकंड प्रोसेस फर्स्ट आउटपुट जेपरिक गुटे देखु आखु रस पीछे ना आखु रस कौन तीनो डी प्रोसेस हुए जेपरी आम इनपुट प्रोसेस आउटपुट आखु रस जिते बड़े आम पीते देखु गोटे चकाटे घूरे घूरे जहाँ भी आपड़ कही पारे से सपोज आम मशीन बोली कहले ठीक अच्छे तो प्रथम कौन है आखु गला आखुटा है आम इनपुट मानने आखु आखु पशिला जिते बड़े से मशीन भितर ताको इनपुट बोली कहले आखुटा आम इनपुट रोटे पार्ट बोली कही पार आखु जिते बड़े से मशीन भितर बस पेशी हो जाए ताको आम प्रोसेस बोली कहले कौन कहले प्रोसेस जिते बड़े जूस गुड़ाक बाहर जूस गुड़ाक बाहर तहरे पुणी बरफ पका गला से कौन आम आउटपुट कंप्लीटली ठीक से हीपरी आम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तीनो एस्पेक्ट अच्छी गोटे इनपुट प्रोसेस आ गोटे आउटपुट इनपुट किए किए जाए आम टीचर मैंने जाती एजुकेशन जाए आम इनफर्मेसन जाए आम स्टूडेंट मैंने जाती ये भेरियस पदार्थ बा पर्टिकुलर जाए जहाद्वारा कौन होमर शिक्षक आम शिक्षक मैंने कौन प्रोसेसिंग हूँ आम लर्नर मैंने कौन प्रोसेसिंग हूँ आम इनफर्मेसन कौन हो टीचर पाखु आम प्रथम टीचर पाखक आसे देन टीचर पाखर लर्नर पाखक जाए ना एमती नुहे टीचर कौन आगुरी सबकि जाए टीचर मैंने कौन अप टू डेट होता है
पड़ी थाए ना ना तो इनपुट डिस्कशन करिबा इनपुट रे कौन कहला इनपुट इनवॉल्व्स द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर लर्नर रो एंटरिंग बिहेवियर प्रथम जेते बेले सी प्रवेश करे जस्ट एंटर करे जेते बेले आखुटी एंटर कला सेही प्रोसेस टी को हम इनपुट बोली कहले देन इट इंक्लूड्स प्रीवियस अचीवमेंट से आगुरु कौन जानी छी तार एबिलिटी कौन अछि तार लेवल ऑफ मोटिवेशन से केतिकी मोटिव अछि बुझी पाछन ने सपोज हम गोटे अष्टम श्रेणी छात्र टी पढ़ाऊ बुझी पाउछन्ती सपोज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊ प्रथम आम को तो जानवाक पड़ो सी पूर्वर के जाणी पूर्व तार लेवल के सी जदि ता जा नपर आम कि पढ़ेबा पढ़े पार कि संभव ना कारण कौन तार जदि प्रीवियस अचीवमेंट बा एबिलिटी आम जानी ना सी एक्चुअली पिलाटी केउ माध्यम रे पढ़ेले सी जानी बा सिखी पारिबो ता जदि आम जानी ना आम जदि आम हिसाब रे पढ़ेले हुए तो सही टीचिंग प्रोसेस टी कौन कंप्लीट इनवैलिड ना ना तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो अच्छी तार आस्पेक्ट अच्छी प्रथम आस्पेक्ट इनपुट होची इनपुट को प्रथमे कौन करुच्छी इनपुट मध्यम आम जानवाक चेष्टा करवा जे लर्नर टीर प्रीवियस अचीवमेंट कौन अच्छी बा प्रीवियस एबिलिटी कौन अच्छी कारण एबिलिटी जान लापर आम कौन करा टीचिंग दे पार ओके देन आज इट इनवॉल्व द स्किल ऑफ टीचिंग एंड अवेयरनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्न ट्रेनिंग मेथड हाँ टीचिंग आउ ट्रेनिंग करिबार जो मेथड अछि प्रथम देखिबा शिक्षक टी मध्ये कोन हमर मध्ये कोन दक्षता सेति मध्ये इन्वॉल्व हुए बा आमे केति की किपरि पढ़ाइबा बा किसे पाठटी उपरे आमे केति की अवेयर अछन्ति ओके सपोज टेंस पढ़ाऊँ तो टेंस उपर आमे केति की अवेयर आउ आमे केति की आम पाखरे सेही मध्ये रे ता दक्षता अछि ता मध्ये हमर इनपुट रे जाई थाए ठीक अच्छे देन आसला इट कंसर्न विथ अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड स्किल इन यूजिंग दि टीचिंग एड तो पाठ पढ़ाइबा बेले आमर जो के सब टीचिंग एड सब अच्छी उपकरण कौन कौन अच्छी उपकरण कौन कौन अच्छी पढ़ाइबापी से पाठ पढ़ाई आम पाखे दक्षता कौन कौन अच्छी ये सब कौन जी आम इनपुट मध्यम तो भावुच इनपुट बुझी पार्थे बुझुचंद ना देन जीवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा प्रोसेस बोली कहीद जिते बड़े आखुटी पेशी हुए ताको आमे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोली कहीद एमती नुए पाठ में जस्ट एग्जांपल मुझे कहूँ जिते बड़े आखुटी पेशी हुए ताको प्रोसेस बोली कहवा तो प्रथम पॉइंट कहला इट इनवॉल्व्स द मेन एंड डिवाइसेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस पढ़ा शिखा शिखापी जो सब डिवाइस सब यूज हुए जो सब माध्यम सब यूज हुए ताको आमे प्रोसेस रो अंतर्गत करितो गट इट देन आसला टू जेनेट सिचुएसन फर प्रेजेटिंग दि सब्जेक्ट मैटर सिस्टमेटिकाली कहला गोटे ए सिचुएसन क्रिएट करवा जेनेट करवा कहीं टू प्रेजेट दि सब्जेक्ट देखा जाऊनी प्रेजेटिंग दि सब्जेक्ट मैटर सिस्टमेटिकाली जिते बड़े से विषय 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 टी प्रयोग करवा आम कौन करवा प्रेजेट करवा से कौन कर गोटे सिचुएसन टी क्रिएट करवा प्रोसेस अंतर्गत कराई था ओके टू सिलेक्ट एंड यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्राटेजीज एंड टैक्टिक फॉर डिजायर्ड लर्निंग प्रोसेस हाँ जेपरी कहगला प्रथम जानवाक पड़ो जो डिजायर्ड लर्निंग प्रोसेस अच्छी स्टूडेंट किभली पढ़ा को किभली शिखा को डिजायर करुच्ची से किभली जानवाक चाहूँ से ही विषय आम प्रथम ज्ञान प्रथम मैंने ज्ञान ना से विषय आम जानवाक पड़ो बा एक्चुअली जेपरी धरी दस टी स्टूडेंट अच्छी दस टी जाक स्टूडेंट जे गोटे प्रोसेस आम पढ़े दस टी जाक कैप्चर करदेव ता हुए तो संभव नुह कारण प्रत्येक स्टूडेंट सामान नुह प्रत्येक स्टूडेंटर इंटेलेक्चुअल पावर सामान नुह से कौन प्रथमे जदि किसी स्टूडेंट कौन आमर प्रोसेस टी को धरी पार ना आमर प्रोसेस कौन करा पड़ो टी चेज करा पड़ो ओके आम कही टीचिंग स्ट्राटेजी आम टीचिंग स्ट्राटेजी को टी चेजेस करा पड़ो जेपरी स्टूडेंट मैंने चाहूंट से भली पढ़ेबा को पड़ो ओके देन आसला टू यूज सुइटेबल शेड्यूल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग तो सुइटेबल शेड्यूल गोटे व्यवहार करवा दरकार कौन पाई इफेक्टिव लर्निंग माने सु जो कौन कहते लर्निंग प्रोसेसटा कौन इफेक्टिव होगापी गोटे सुइटेबल शेड्यूल टे आवश्यक ना ना व्यवहार करवा दरकार आमर प्रोसेस सिस्टम बोली कहीपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अंतर्गत ओके देन जीवा आउ नेक्स्ट पॉइंट को कौन कहे टू एस्टाब्लीश देखु टू एस्टाब्लीश रापोर्ट रापोर्ट माने कौन गोटे भल संपर्क रापोर्ट माने कौन सुसंपर्क भल संपर्क टू एस्टाब्लीश प्रतिष्ठा करवा गोटे भल संपर्क विथ स्टूडेंट
ତ ଯେଉଁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସେ ଲର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଆମର ବିହେଭିଅର୍ ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବନି ବା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ରହିବନି ସେମାନେ ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଆଉ ଆମର ଇଗ୍ନୋର ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ରେ ରଖିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିବେନି ଓକେ ତ ଆମେ କିଭଳି ପଢ଼େଇବା ଆମେ କିଭଳି ଟିଚ୍ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ବା ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଉଟପୁଟ୍ ଗାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲାଷ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ସରି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଆଉଟପୁଟ୍ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ମେନଲି ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କ'ଣ କରୁଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦି ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ତା'ର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଟୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଚିଭ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସିଏ ଏଚିଭ୍ କଲା ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ଏନାଲାଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟିମୁଲି ଷ୍ଟିମୁଲିଟିକୁ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେଇର ଡିଜାୟର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେଇର ଡିଜାୟର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଓକେ ଆଉଟପୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ ଯାଇକି ପଢ଼େଇଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କଲେ ବା ପଢ଼ିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେମାନେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ବା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ହେଲା ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ସପୋଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାଟି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲବ କୋଡ଼ା ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାର ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ଇନପୁଟ୍ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ ଶିଖାଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିପାରିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମର କହିଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖି ଯଦି ପଚାରିବା ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଶିଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ହରମାନଙ୍କର ଲସ୍ ଆଗକୁ କରାଯାଏ ତ ଯଦି ଏମାନେ ଏହିସବୁ ଶିଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଲା କି ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଭର୍ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମିନିଂ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଥିବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଏଇ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇନଭାଲିଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ କିଡ଼ିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉଟଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ସେପରି ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ଆଉଟଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ବିଏଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନଲେଜ୍ ଆମର ଅଛି ବା ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ମୋର ନଲେଜେବଲ୍ ସେପରି କିଛି ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ଆଉଟଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଉଟଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ବିଏଡ଼୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ଼୍ ତ ଏଇଟା ଜାଲିଟା ସେଇ ସେପରି କିଛି ନୁହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଆଉ ମୁଁ RTI ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆମର ଦ ହରେଗୋପାଳ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର NCT ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ RTI ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି 1 month ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲାଣି 1-2 month ପୂର୍ବରୁ RTI ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଦ ହରେଗୋପାଳ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଟୋଟାଲି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ ଓକେ ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଛି ନା ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଅଛି ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ବା ଦେଉଛୁ ଓକେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବୁ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯିବି ଓକେ
तो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट आज ही आसीबो आ गोटे वीडियो रहिबे यूजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो वेरियस आसीबार अछि यूनिट 1 सरला पर्यंत हमर कंप्लीटली सीरीज आसुचे ओके सीरीज टी को कंप्लीटली देखंतु आ वीडियो गुडा को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु जा पळे कोन आपण माने के जानि परिबे अदरवाइज किछि भी बुझि परिबे नाही खाली अजधरे डाउट ही रहिबा अजधरे टाइम वेस्ट डाटा वेस्ट तापळे आ किछि आपण करि परिबे नाही ओके बनि रहंतु वीडियो डी रे धन्यवाद।